क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021, यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं।